तो चलिए दोस्तों, कल मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 1 का 8 सवाल बताया था। आज प्रश्न नंबर 2 का 4 सवाल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पहले सवाल देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूखंड आयताकार है, एक आयताकार भूखंड, ए बी सी डी, दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x, कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो माना भूखंड की चौड़ाई x, तब तब क्षेत्र की लंबाई बराबर 2 गुने से एक अधिक है, अर्थात 2x+1 एक अधिक है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 इक्वल टू लंबाई है 2x+1 इंटू चौड़ाई है x। 528 इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर दो, 2x² + x। तो अब 2x² + x इसको इधर भेज दो, -528 = 0 आंसर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक बराबर x तथा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो x+1
इंटू एक्स इक्वल टू 306। इसका इसमें गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको इधर कर दो 95 माइनस 306 इक्वल टू 0 आंसर। तीसरा क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, यक्स प्लस 26 अब 3 वर्ष पश्चात पश्चात रोहन की आयु बराबर एक्स प्लस 3 रोहन की माता की आयु बराबर यक्स प्लस 26 पहले का था प्लस 3। प्रश्नानुसार एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। इसका इसमें गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x प्लस 32x प्लस 87 360 को इधर कर दो माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x अब 87 से माइनस 360 तो माइनस 10 से 7 गए 3, 5 से 6 गए 7, ये बचा 2 इक्वल टू 0 आंसर। प्रश्न नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ए से बी 480 किलोमीटर ये दूरी है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा
क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चार। प्रश्नानुसार टी वन बराबर चार सौ अस्सी, दूरी है 480 बटा चाल, चाल है एक्स। अब टी टू बराबर 480 बटा, दूरी है 480 और चाल, चाल पहले एक्स थी अब घटकर 8 हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स माइनस 8। प्रश्नानुसार टी टू माइनस टी वन बराबर 3, टी टू का मान 480 बटा एक्स माइनस 8 माइनस टी वन का मान 480 बटा एक्स बराबर 3। अब इसका कैंची गुणा, 480 एक्स माइनस 480 ब्रेकेट में एक्स माइनस 8 अपान में एक्स, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। 480 एक्स माइनस इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 480 एक्स माइनस 800, 864, 8 4 32, 32 6 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। 480x से 480x कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, 3840 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 अपान 1 कर दो, इसका इसका इसमें कैंची गुणा कर दो, तो 3x² माइनस 8 3 24x इक्वल टू 3840। 3x² माइनस 24x इसको इधर कर दो, माइनस 3840 बराबर 0 आंसर।